ये कैसे हो सकता है? दुबई कैसे डूब सकता है? जिस देश के डेवलपमेंट की दुनिया दीवानी है, जहां बुर्ज खलीफा से लेकर पाम जुमेरा जैसे अनयूजुअल कंस्ट्रक्शंस बने हुए हैं, इसके हालात रातों रात बदल गए। अभी तक आपने और मैंने इंडिया और यूरोप के देशों को बाढ़ में बहते हुए देखा था, लेकिन अब ये हाल मिडिल ईस्ट का भी है साहब। 15 अप्रैल की रात को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के सो कॉल्ड डेवलप्ड देश यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में एकदम से बारिश शुरू होती है और फिर ये बदल जाती है ऐसी तेज बारिश और आंधी में कि ये बाकी देश तो छोड़िए, ये दुबई को भी इस बाढ़ में बह कर ले गया। लेकिन ये बारिश रुकती उससे पहले देखते ही देखते ये तूफान में बदल गया और लोगों ने बताया कि तूफान इतना तेज था कि कई बिल्डिंग्स को हिलते हुए भी फील किया गया। और तूफान की फैलाई हुई ये आफत यही नहीं रुकती। मंगलवार आते आते इसकी वजह से मिडिल ईस्ट के कई डेवलप्ड देशों के दर्जनों शहरों में बाढ़ आ गई और ये मॉडर्न एरा के मॉडर्न सिटीज अब कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तेल की दौलत से बने ईंट कंक्रीट के इस मॉडर्न देश की सड़कों गलियों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे नदी बहती है। सड़कों पर चल रही करोड़ों की गाड़ियां पानी में बहने लगी। दुबई में कुछ ही घंटों के अंदर इतना पानी बरस गया जितना दो साल में बहता है। मंगलवार को 142 मिलीमीटर बारिश दुबई में दर्ज की गई, जबकि साल भर में औसतन 95 मिलीमीटर बारिश ही मुश्किल से यहां पर हो पाती है। यूएई के अल आइन अमीरात में तो सबसे ज्यादा 250 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस बात से आइडिया तो लग गया होगा कि कितना पानी दुबई में बरस गया। अपनी गगन चूमती इमारतों के सिवा अगर दुबई फेमस है तो वो अपने रेगिस्तान के लिए। यहाँ लोग स्पेशली इन रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी का भी मजा लेने आते हैं। लेकिन रेगिस्तान के बीच बसे शहर दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो पिछले 24 घंटे में 6.26 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। और अगर आपको लगता है कि ये नॉर्मल है तो नहीं, क्योंकि मौसम से जुड़ी जानकारी देने वाली वेबसाइट theweatherman.com के अकॉर्डिंग यहाँ इतनी बारिश दो सालों में होती है, यानी दो सालों में जो बारिश होनी थी वो सारी एक ही दिन में हो गई। इसके अलावा ऐसा भी बताया जा रहा है कि भले इस देश ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सारी हदें पार कर ली हों, लेकिन आज भी इस देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनकर खड़ी है वो यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम, जिसका अभी तक कोई पावरफुल सॉल्यूशन ये देश नहीं निकाल पाया। और इस बात का दावा इंग्लिश का न्यूज़पेपर रॉयटर्स भी कर रहा है। लेकिन क्या जैसे मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं, आपके मन में भी उठ रहे हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि 21st सेंचुरी का इतना पावरफुल वेल डेवलप्ड देश एक रात की बाढ़ में बह गया। कई वेदर एनालिस्ट का कहना है कि अरेबियन पेनिनसुलर से उठा एक तूफान ओमान की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस तूफान की डेंसिटी बढ़ती है तो ये तूफान मिडिल ईस्ट के कई देशों को बाढ़ और तूफान की चपेट में ले जाता है। और इसका असर वैसे तो ओमान में सबसे ज्यादा दिखाई दिया, लेकिन दुबई को भी इसने अपना शिकार बना लिया। लेकिन ये बाढ़ जिसने इन गल्फ कंट्रीज में पिछले तीन दिनों में तबाही मचाई है, उसके पीछे नेचर से ज्यादा खुद इन देशों की गलती बताई जा रही है। जी हाँ, इसे कहते हैं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। चलिए वो भी जान लीजिए कि हम ये क्यों कह रहे हैं। तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज तेल के साथ साथ यहाँ पड़ने वाली गर्मी की वजह से भी जानी जाती है, और ये देश अक्सर इस गर्मी से बचने के लिए एक तरीके का यूज करता है जिसे कहा जाता है क्लाउड सीडिंग। जी हाँ, वही नकली बादल और असली बारिश। और कई वेदर एनालिस्ट का कहना है कि खाड़ी देशों में आई इस बाढ़ की वजह क्लाउड सीडिंग ही है। एसोसिएट्स प्रेस तक ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि दुबई प्रशासन ने सोमवार को क्लाउड सीडिंग के थ्रू बारिश कराने के लिए एक प्लेन को उड़ाया था, और बस फिर क्या था, उसके बाद जो हुआ वो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये लगातार मिडिल ईस्ट के परेशानी का कारण भी बन गया है। चलिए अब यहाँ तक आए हैं तो ये भी बता देते हैं कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है और कैसे नेचर को मजबूर किया जाता है कि वो जबरदस्ती बारिश करे। अब भाई, इंसान इस धरती का सबसे बड़ा जानवर है ऐसा कहा जाता है, और इसके एग्जाम्पल वो दे भी रहा है, जैसे जबरदस्ती फसल उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज करना, जबरदस्ती ब्रीडिंग के लिए अननेचुरल चीजों का यूज करना, और अब इंसान खुद को भगवान भी समझने लगा है। इसलिए जो हमने बचपन में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था, अब उससे भी छेड़छाड़ हो गई है। क्या है क्लाउड सीडिंग, इसे समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती, तो इसे आपको सिंपल तरीके से समझाते हैं। देखिए, जब नेचुरल तरीके से कहीं बारिश नहीं हो तो आर्टिफिशियल तरीके से नॉर्मल बादलों को बारिश करने वाले बादलों में बदलने की टेक्नोलॉजी को
क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस, जिसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है, जैसे केमिकल्स को हेलीकॉप्टर या प्लेन के थ्रू आसमान में बादलों के करीब स्प्रे कर दिया जाता है और फिर हवा में स्प्रे किए गए ये पार्टिकल भाप को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे धीरे धीरे ये नॉर्मल दिखने वाले बादल हेवी डेंसिटी तूफान काले बादलों में बदल जाते हैं और लास्ट में बारिश होती है। और इस तरीके से बारिश होने में करीब आधा घंटा लगता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो ये है कि बारिश तो आर्टिफिशियल हो सकती है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आसमान में बादल मौजूद हो। और जब एक निश्चित जगह पर एक निश्चित समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसे हम बादल फटना कहते हैं। बादल फटना इस बात पर निर्भर करता है कि क्लाउड सीडिंग से कितने बादल जमा हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा भाप से भरे बादलों की पहचान करके उसमें क्लाउड सीडिंग करा दें तो बादल फट भी सकते हैं। ऐसे में संभव है कि भाई यूएई समेत खाड़ी देशों में इसकी वजह से तेज बारिश आई हो, जो बाढ़ की वजह बनी। आर्टिफिशियल रेन की इस थियरी को सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रिक के विंसेंट शेफर और नोबेल पुरस्कार विजेता इरविंग लैंगमुइर ने इसे कंफर्म किया था। शेफर ने जुलाई 1946 में क्लाउड सीडिंग का ये वर्किंग प्रिंसिपल खोज निकाला था, जिसके बाद 13 नवंबर 1946 को क्लाउड सीडिंग के जरिए पहली बार न्यूयॉर्क फ्लाइट के थ्रू नेचुरल बादलों को बदलने के एफर्ट्स डाले गए। जनरल इलेक्ट्रिक लैब द्वारा फरवरी 1947 में बाथर्स्ट ऑस्ट्रेलिया में क्लाउड सीडिंग का सबसे पहला प्रेजेंट किया गया था, लेकिन इस चीज को मुश्किल वक्त में यूज करने के लिए डेवलप किया गया था। लेकिन अब तो इसका यूज धड़ल्ले से किया जाता है। माना ये बैट बॉल का खेल हो गया है। ये तकनीक अक्सर सूखा से इफेक्ट होने वाले इलाकों या फिर एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए यूज की जाती है। कई बार क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कुछ एयरपोर्ट के आसपास कोहरे को खत्म करने के लिए भी किया जाता है। अभी बात हमने आपको ऊपर भी बताई कि यूएई पृथ्वी पर सबसे गर्म और ड्राई रीजन वाले जोन में है। ये देश बारिश को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करने में आगे है। यूएई ने पहली बार 2002 में अपना क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन शुरू किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में मौसम वैज्ञानिक अहमद हबीब के हवाले ये कहा गया कि हाल ही में सीडिंग के लिए विमानों को अल इन हवाई अड्डे से भी भेजा गया था। और ऐसा नहीं है कि इस क्लाउड सीडिंग का यूज सिर्फ मिडिल ईस्ट कंट्रीज कर रही हैं, बल्कि इसका यूज आज तक 60 से ज्यादा देश कर भी चुके हैं, जिसमें चीन, भारत जैसे बड़े देशों का नाम भी आता है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ऐसे ही क्लाउड सीडिंग का नमूना देखने को मिला था, जहां चीन ने बीजिंग में क्लाउड सीडिंग के थ्रू बादलों को बारिश में बदलते हुए एक दिन पहले ही बारिश करवा ली थी। और ऐसा करने के लिए चीन ने क्लाउड सीडिंग के लिए 11,000 हथियारों का इस्तेमाल भी किया था। इसमें 6,781 रॉकेट लॉन्चर और 4,110 आर्टिलरी गन शामिल थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग किस हद तक यूज किया जा चुका है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो इस क्लाउड सीडिंग का यूज एक लड़ाई को जीतने के लिए भी किया हुआ है। क्यों, हैरान हो गए ना? तो चलिए इस दिलचस्प किस्से को भी आपको बता देते हैं। दरअसल बात तब की है जब अमेरिका और वियतनाम के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ गई थी। वही जंग जिसमें भारत ने वियतनाम का वर्बली सपोर्ट किया था, तो अमेरिका ने भारत से चिढ़कर उसे अनाज देने से ही मना कर दिया। अमेरिका ने 1967 से 1972 के बीच वियतनाम वॉर के दौरान क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर सबको हैरान कर दिया था। इस जंग में अमेरिका ने वियतनाम पर बढ़त बनाने के लिए ऑपरेशन पोपोय चलाया था। दरअसल इसके तहत अमेरिका ने वियतनाम के होचिमिन्ह शहर पर क्लाउड सीडिंग के जरिए बादल फटने की घटना को अंजाम दिया था। इससे वहां अचानक बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की कंडीशन पैदा कर दी थी। इससे वियतनाम सेना को बहुत भारी नुकसान पहुंचा था। अब आइए आपको बताते हैं कि अपने प्यारे भारत के बारे में, जहां आजादी के बाद से लगातार इस तकनीक का प्रयोग ना जाने कितनी बार किया जा चुका है। देखिए, भारत में क्लाउड सीडिंग का पहला प्रयोग 1951 में हुआ था। उस समय भारतीय मौसम विभाग के पहले महानिदेशक एसके चटर्जी जाने माने क्लाउड साइंटिस्ट थे और उन्हीं की लीडरशिप में भारत में इसके यूज को प्रैक्टिकली शुरू किया गया था। उन्होंने तब हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारों में नमक और सिल्वर आयोडाइड को बादलों के ऊपर भेजकर कृत्रिम बारिश कराई थी। भारत में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग सूखे से निपटने और डैम का वाटर लेवल बढ़ाने के लिए काफी समय से किया जाता है। इतना ही नहीं, भारत में कई प्राइवेट फर्म्स ने भी इस तकनीक का यूज किया है। जैसे टाटा फर्म ने 1951 में वेस्टर्न घाट में कई जगहों पर इस तरह की बारिश कराई। फिर पुणे के रेन एंड क्लाउड्स इंस्टीट्यूट ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र कई इलाकों में ऐसे आर्टिफिशियल रेन कराई। भारत में साल 1983-84 में ऐसी बारिश कराई गई। और इतना ही नहीं, 1993-94 में सूखे से निपटने के लिए तमिलनाडु में भी इसका यूज किया गया था।
2003-04 में कर्नाटक में आर्टिफिशियल बारिश कराई गई, फिर 2008 में आंध्र प्रदेश के 12 जिलों में इस तरह की बारिश कराने की प्लानिंग बनाई गई थी, लेकिन इसका एक फेलियर भी देखने को मिला और वो हुआ दिल्ली में, जब 2018 में दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ने पर आर्टिफिशियल रेन करवाने की तैयारी की गई थी। आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट ने एयर पॉल्यूशन की सीरियस सिचुएशन से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन की तैयारी कर ली थी, बस मौसम के फेवरेबल होने का इंतजार किया जा रहा था। आईआईटी के प्रोफेसर ने कृत्रिम बारिश करवाने के लिए इसरो से विमान को भी मंगवा लिया था, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से आर्टिफिशियल रेन नहीं करवाई जा सकी। तो कहने का साफ मतलब यह है कि भारत आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी